संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, देश की जनता खतरे में है। संविधान शेष करे दीते चाहिए बीजेपी। 2024 लोकसभा निर्वाचन एटा कोनो साधारण निर्वाचन नय, एटा संविधान बाँचानोर लड़ाई। हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान शिख সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে দেশের সংবিধান রক্ষার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান ভারতবর্ষের সংবিধান রচনাকারী ডক্টর বিআর আম্বেদকরের নাতি রাজরতন আম্বেদকর। কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তিনি। ये सरकार हमारे आधार कार्ड को देखकर, हमारे इलेक्शन कार्ड को देखकर, हमारे राशन कार्ड को देखकर ये सरकार चुनी गई है, और अगर ये सारे कार्ड अगर इनवैलिड है तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि आपकी सरकार जिस वोट पे हमारी बनी है वो भी इनवैलिड है, आप भी इनवैलिड हो। अगर आप इस देश के लोगों को नागरिक नहीं मानते तो हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में है। 2024 की ये इलेक्शन किसी पार्टी के बीच नहीं होने जा रही, ये इलेक्शंस दो विचारधाराओं के बीच होने जा रही है। 2024 में उस ईवीएम मशीन का वो बटन दबाओ कि जो भी बटन दबेगा उस बटन से बीजेपी का पूरा नामो निशान मिट जाए, ऐसा बटन जरूर दबाओ। जिस तरह का भाईचारा आज इस मंच पर दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा विश्वास है अगर इस देश का एससी एसटी ओबीसी और जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, ये सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाएं, तो 2024 नहीं, आने वाले हजारों इलेक्शंस में भी मोदी क्या मोदी का बाप भी आ जाए तब भी वो इस देश में जीत नहीं पाएगा अगर इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी इकट्ठा होकर इस देश की रक्षा करने का काम करे। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को जय भीम। सबसे पहले तो मैं इस बंगाल की धरती को नमन करता हूँ, जिस बंगाल की धरती ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजकर इस भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी को बनाने का मौका दिया। उस बंगाल की धरती को मैं नमन करता हूँ। आज इस देश को जिस तरह से यूनिटी हम लोग इन्हों मंच पे दिखाई है, पूरे देश भर में ये यूनिटी आज कायम करने की जरूरत है। 2024 की ये इलेक्शन किसी पार्टी के बीच नहीं होने जा रही, ये इलेक्शंस दो विचारधाराओं के बीच होने जा रही है। एक विचारधारा जो इस देश में न्याय के ऊपर, समता के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर विश्वास रखती है, उस विचारधारा के खिलाफ दूसरी विचारधारा जो असमानता के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, धर्मवाद के ऊपर विश्वास रखती है। ऐसे दो विचारधाराओं के बीच ये इलेक्शंस आने वाले 2024 में हम लोग देखने जा रहे हैं, और जिस तरह की यूनिटी, जिस तरह का भाईचारा आज इस मंच पर दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा विश्वास है अगर इस देश का एससी एसटी ओबीसी और जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, ये सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाएं, तो 2024 नहीं, आने वाले हजारों इलेक्शंस में भी मोदी क्या मोदी का बाप भी आ जाए तब भी वो इस देश में जीत नहीं पाएगा अगर इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी इकट्ठा होकर इस देश की रक्षा करने का काम करे। आने वाले समय में हम लोग बहुत बार सुन रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस ने उस समय ये बात हम लोगों को बता दी थी, जस्टिस चिलामेश्वर हो, जस्टिस गोगोई हो, जस्टिस जोसेफ हो, उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात कही थी कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उस समय हमने उनकी बात नहीं मानी। आज भी बाबा साहब अंबेडकर हमें इतनी बड़ी ताकत देकर गए हैं। 1917-1919 में जब साउथ ब्यूरो कमिटी, साइमन कमीशन इस भारत में आया, तब इस देश की ब्राह्मणिकल सिस्टम हम लोगों को वोट का अधिकार तक देना नहीं चाहती थी। उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी ने साइमन कमीशन को बयान देकर यह कहा कि इस देश में चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, 21 साल का होने के बाद हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने रखी, तब जाकर आज इस देश में सभी को वोट का अधिकार मिल रहा है।
बाबा साहब हमें जाते जाते इतना बड़ा अधिकार देकर गए हैं कि आज हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, आज इस देश में, कल उस देश में, कभी जमीन पर पैर तक नहीं रखते। ऐसे फैसिस्ट लोगों को बाबा साहब अंबेडकर हमें ऐसी ताकत देकर गए हैं कि आने वाले चुनाव में, किसी भी चुनाव में, ये जो लोग हवा में उड़ा करते हैं, ये जो लोग हवा में रहा करते हैं, ये एक दिन नीचे उतरते हैं, और केवल नीचे नहीं उतरते, हमारे पैर धोने के लिए मजबूर होते हैं। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब हमें देकर गए हैं, इस ताकत का सही इस्तेमाल करो। पैसों के ऊपर, साड़ियों के ऊपर, उनके शराब के ऊपर अपने जीवन का इतना सबसे मूल्यवान अधिकार बेचा मत करो। आपके जीवन का सबसे बड़ा अधिकार घर लेना, गाड़ी लेना, बच्चों की शादियां करना, ये नहीं है। आपके जीवन का सबसे बड़ा अधिकार ये है कि आने वाले 5 सालों में मैं अपने ऊपर किसे शासन करने की अनुमति देता हूं, ये तय कर पाना, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है। इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से अगर करो तो ऐसी समस्या कभी नहीं आ सकती। वरना हम लोग अब, जैसे नदीम खान जी ने कहा, बाकी सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अगर हम अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर पाते तो क्यों उन्हें दिल्ली से आना पड़ता, क्यों मुझे बॉम्बे से आना पड़ता, क्यों यहां पर मंच पर बैठे हुए लोग अपने अपने जिलों से, अपने अपने राज्यों से यहां आते, वो अपने अपने कामों में व्यस्त होते। लेकिन आज हम इस सब लोग अपना काम छोड़कर केवल देश की सुरक्षता, देश के संविधान को बचाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए। एनआरसी जैसा कानून इस देश में आ रहा है, वोट लेते समय इनको हमारे आधार कार्ड चलते हैं, वोट लेते समय इनको हमारे इलेक्शन कार्ड चलते हैं, वोट लेते समय इनको हमारे राशन कार्ड चलते हैं, वोट लेते समय इनको हमारे ड्राइविंग लाइसेंस चलते हैं, लेकिन जब नागरिकता देने की बात आती है तब हमारे ये किसी भी कार्ड को नहीं अपना रहे। तो अगर ये सरकार हमारे आधार कार्ड को देखकर, हमारे इलेक्शन कार्ड को देखकर, हमारे राशन कार्ड को देखकर ये सरकार चुनी गई है, और अगर ये सारे कार्ड अगर इनवैलिड है, तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि आपकी सरकार जिस वोट पे हमारी बनी है वो भी इनवैलिड है, आप भी इनवैलिड हो। अगर आप इस देश के लोगों को नागरिक नहीं मानते तो हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते। इस देश में यूसीसी का कानून आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस देश में मूछ रखने के ऊपर हत्या होती है, जिस देश में अपने ही बारात में किसी आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है, उस देश में आप समान नागरिकता कानून लागू कर रहे हो, जहां पर हम लोगों को आज भी 2023 में ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वहां पर आप लोग यूसीसी का कानून लागू कर रहे हो। क्या यूसीसी के लिए आप लोगों ने देश को तैयार किया है? देश के गली में, जाति में, देश के गली गली में, जाति जाति, ये आज ज्यादा बड़ी होती जा रही है। और इसलिए हम लोगों को आने वाले समय में हमारे ऊपर किसने अधिकार करना चाहिए, राज करना चाहिए। और सबसे पहली एक बात, ये बात मैं हमारे हिंदू भाइयों को कहना चाहूंगा, कोई प्रधानमंत्री, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई भी पॉलिटिशियन आपको अगर ये बात कहता है कि आप हमें वोट दो, हम आगे चलकर राम मंदिर बनाएंगे, हम आगे चलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबसे पहले तो उसे वोट देना बंद करो, क्योंकि आप बेदेश की जनता, देश के संसद में आपके पॉलिसी के मेकर को भेजने वाले हो, देश में क्या योजनाएं बनाने वाले हैं उसको भेजने वाले हो, किसी शंकराचार्य को भेजने के लिए, उसको अपॉइंट करने के लिए संसद नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपके हिंदू महासभा के लोग काम करेंगे, आपके हिंदू संगठनों के लोग काम करेंगे, लेकिन देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। देश का संसद ये आपके धर्म को फैलाने के लिए नहीं बनाया हुआ। आज इस देश में हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, इस देश में इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस देश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, इस देश में बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, इन सभी धर्म ग्रंथों को, चाहे वो हिंदुओं का हो, इस्लाम मुस्लिमों का हो, बुद्धिस्टों का हो, सिखों का हो, क्रिश्चियनों का हो, इन सभी धर्म ग्रंथों की रक्षा इस देश में एक ग्रंथ करता है, और वो है भारत का संविधान।
और इसलिए सभी धर्म के लोगों को जो धर्म ग्रंथ, जो ग्रंथ हमारी रक्षा कर रहा है, जो ग्रंथ हमको हमारे धर्म को फैलाने की अनुमति दे रहा है, उस ग्रंथ को बचाने की भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो ग्रंथ मुझे मेरा धर्म बचाने की अनुमति दे रहा है, मुझे मेरा धर्म प्रोफेस करने की अनुमति दे रहा है, मुझे मेरा धर्म बढ़ाने की अनुमति देता है, उस ग्रंथ को बचाना ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। मैं आज इतना ही उम्मीद आप लोगों से करता हूं कि जो बाबा साहब ने आप लोगों को वोट के अधिकार दिए हैं, आने वाले समय में 2024 में इसका सही ढंग से इस्तेमाल करो। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हूं, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक बात जरूर बता के जाना चाहूंगा। जैसे दिल्ली में अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि ईवीएम मशीन और बीजेपी का बटन इतने जोर से दबाओ कि मुसलमानों को करंट लगना चाहिए। इस 2024 में उस ईवीएम मशीन का वो बटन दबाओ कि जो भी बटन दबेगा उस बटन से बीजेपी का पूरा नामो निशान मिट जाए, ऐसा बटन जरूर दबाओ। और मैं ये आशा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस धरती ने बाबा साहब अंबेडकर जी को उस देश के संविधान सभा में भेजा, वो धरती के लोग और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, उस समय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को अपनी सीट बाबा साहब को दी और बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए देश के संविधान सभा में भेजा, और आज भी उसी संविधान के ऊपर आंच आ रही है, और यही बंगाल के लोग और मुस्लिम समुदाय इस संविधान को बचाने की मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगे, ऐसा आशा और विश्वास व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।